हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। तो देखिए, आज तीसरा रोज़ा है, लेकिन मेरे यहाँ आज किसी का रोज़ा नहीं था क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे यहाँ मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को टाइफाइड हो गया था, तो कोई रोज़ा नहीं रख पा रहा था। तो ये मैं उनके लिए दोपहर में आलू की सब्ज़ी बना रही थी, क्योंकि आज सब्ज़ी मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या बनाऊँ। कोई सब्ज़ी वगैरह थी भी नहीं रखी हुई और मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी तबीयत ख़राब की वजह से कि मैं मार्केट जाऊं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो आलू ही बना लेती हूं। आलू बन के जल्दी तैयार हो जाते हैं। देखिए यहां मैंने ये चार आलू ले लिए हैं और ये चारों अब चार आलू इतने हो गए थे कि मेरे दोनों टाइम की सब्ज़ी हो गई थी चार आलू हमें। तो मैंने इनको आलूओं को अच्छी तरीके से छील लिया और मुझे लगता है कि ये वाली आलू की सब्ज़ी भाई सबकी फेवरेट होती है और बन के बहुत जल्दी तैयार हो जाती है। इसको बनाने का तरीका थोड़ा अलग ज़रूर हो सकता है सबका, लेकिन ये आलू की सब्ज़ी बनती सबके घर में है और ये बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाती है। बच्चे से बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो इसी तरीके से हम तो बना लेते हैं। भैया अपना हिसाब किताब कभी कभी तो घर में रखे सामान से भी हमारे खाने का इंतजाम हो जाता है। जैसे आलू काटने के बाद आलूओं को किसी भी शेप में काटा जा सकता है, ये ज़रूरी नहीं है, मेरा अपना तरीका है काटने का। मैं कभी कभी सर्किल में भी काट लेती हूँ और कभी कभी इस तरीके से भी काटती हूँ। तो ये इसी तरीके से मैं आलू वगैरह काट लेती हूँ और ये जो शेप होती है ना, ये जल्दी गल जाती है। तो देखिए मैंने आलू वगैरह इस तरीके से धो के रख लिए थे और उसके बाद मैंने इसको दूसरे बर्तन में छान के कर लिया ताकि इनका पानी अच्छी तरीके से निकल जाए। आलूओं को काटने के बाद धोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इनके अंदर एक जो वाइट वाइट तरह का पदार्थ निकलता है वो, उससे मुझे तो आलू बिल्कुल पसंद आते नहीं हैं। तो मैं तो हमेशा इसको अच्छी तरीके से वॉश करती हूँ आलूओं को। तो बस मैंने आलू धो लिए थे, तो उसके बाद मैंने पैन में कर लिया था तेल गरम और ये है मेरे तड़के का सामान जिसमें है कलौंजी, ज़ीरा और ये सूखी लाल मिर्च और थोड़ी सी हींग। बस इसी का तड़का मैं लगाती हूँ आलूओं में और इसका तड़का बहुत अच्छा, इतना अच्छा टेस्ट आता है। आलू बन के बहुत स्वादिष्ट तैयार होते हैं और ये एक ऐसी सब्ज़ी है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास मसाले नहीं पड़ते, लेकिन फिर भी ये खाना इतना अच्छा और इतना टेस्टी होता है। एक तो बन के झटपट तैयार हो जाता है। जब भी घर में कुछ खाने को ना हो या सब्ज़ी ना हो या गोश्त वगैरह ना हो, तो मेरा तो हमेशा ये रहता है कि आलू बना लिए, दाल बना ली। तो ये भी सब्ज़ी मेरी बहुत सिंपल सब्ज़ी है। देखिए इस तरीके से मैं तड़का लगाने के बाद इसमें आलू डाल दिए थे और जो है इसको अच्छे तरीके से चला दूँ। ये आलू भी बहुत अच्छे आए हुए हैं, सबसे बहुत स्वादिष्ट आलू आए हुए हैं। तो मैं एक बार सोच रही हुई थी कि चलो पापड़ बना लेते हैं, थोड़े से कुछ दिन बनाऊंगी तो दिखाऊंगी, लेकिन तभी की वजह से मेरी हिम्मत नहीं हो रही पापड़ बनाने की। पर जिस दिन बनाऊंगी तो इंशाल्लाह आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो देखिए ये है हमारे मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी डालूंगी मैं इसमें। तो देखिए मैं इसमें मिर्च डालूंगी, सूखी मिर्च इसमें डलती ज़रूर है साबुत वाली, लेकिन उसके अलावा थोड़ी सूखी मिर्च डालना ज़रूरी होता है ताकि उसका फ्लेवर अच्छा आ जाए। यही इसमें तीन मसाले हैं, इसमें धनिया नहीं डलता है। अगर आपको पसंद है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन हम नहीं डालते। हम इसी तरीके से बनाते हैं आलू की सब्ज़ी। इसमें मैंने यही तीन मसाले डाल दिए, इसके अलावा और कोई मसाले मैं इसमें नहीं डालूंगी। और इसमें डाल के फिर मैं पानी डालूंगी थोड़ा सा। और देखिए इस तरीके से ये सब्ज़ी आप शोरबे की खाना चाहें तो शोरबे की बना सकते हैं, आप सूखी खाना चाहें तो सूखी बना सकते हैं। आज मैंने थोड़ा ही पानी डाला था, सिर्फ इतना कि आलू गल जाए, क्योंकि बच्चों को आज सूखी सब्ज़ी खानी थी, उन्हें शोरबे की नहीं खानी थी। पिछली बार जब मैंने आलू बनाए थे तो शोरबे के बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलो बस आज सूखी सब्ज़ी बनाऊंगी और उसके साथ बना लेंगे पराठे। अगर आप पराठे ना चाहें तो इसके साथ घी की रोटी, गरम गरम घी की रोटी भी बहुत टेस्टी लगती है इन आलूओं के साथ। तो देखिए ये मुश्किल से 10 मिनट हुए होंगे, 10 मिनट मैंने ज़्यादा ही बता दिए, उससे पहले मेरे आलू बन के तैयार हो गए थे। अच्छा आज चौथा रोज़ा था तो ये सहरी का टाइम है। मैंने सहरी के लिए देखिए ये सालन रखा हुआ था, चिकन आया हुआ था, ये मेरी देवरानी ने मेरे लिए चिकन भेजा था। आज मेरे हस्बैंड घर गए थे तो वहाँ से लेकर आए थे, तो मैंने सहरी में बस वही गरम कर लिया था। तो मैंने दो रोटी बनाई थी अपने लिए और चाय बनाई थी। तो ये मेरी आज की सहरी है, मैं आज से रोज़ा रख रही हूँ। मेरे तीन रोज़े छूट गए हैं, ये चौथा रोज़ा है जिसकी मैं सहरी कर रही हूँ। तो बस मैंने अपनी रोटी सालन ख़त्म करने के बाद अपनी चाय पलट ली थी कप में और उसके बाद मैंने चाय पी।
शहरी में हम और भी बहुत कुछ खाते हैं, लेकिन आज मैंने अकेले रोज़ा रखा था तो बस इतना ही मैंने बनाया था और कुछ नहीं बनाया। मैंने कहा फिर किसी और दिन जब मैं बनाऊँगी तो आपको ज़रूर दिखाऊँगी। वैसे मेरे घर सेवैयाँ वगैरह भी बहुत बनती हैं शहरी में, लेकिन जब मेरे हस्बैंड रोज़ा रखते हैं तो बनाती हूँ। और मुझे अक्सर अपने लिए बहुत आलस आ जाता है अकेले के लिए, यार यार क्या बनाऊँ, बस जो है इसी को खा लूँ। तो मैंने बस दो रोटी बना ली थी और एक कप चाय बना ली थी, तो मैंने सोचा कि चलो बस आज इतना ही बनाते हैं। और मेरी सहरी वगैरह सब हो गई थी तो उसके बाद मैंने नियत कर ली थी सहरी की, देखिए रोज़े की मैंने नियत की थी। तो रोज़ा नियत के बगैर तो रोज़ा नहीं होता, जितना आप हो सके खाना पीना खा के अपना नियत से फारिग हो जाइए, क्योंकि नमाज़ पढ़ना भी ज़रूरी होता है और रमज़ान में तो जितना ज़्यादा हो उतना इबादत करनी चाहिए। और ये देखिए तस्बीह पढ़ रही हूँ अस्तगफार की। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और सब्सक्राइब।